राम मंदिर पहली सबको बात पता तो, है राम मंदिर पहली बात तो मंदिर नहीं है, मंदिर से बढ़कर ये हमारी संस्कृति है, हमारे हमारा संस्कृति कल्चर है। है ये। और एक कल्चर किसी व्यक्ति का या किसी धर्म का नहीं होता, कल्चर जो होता है वो पूरे देश का होता है। हमारे देश का कल्चर ही था वो। कल्चर को अगर हम ना बचा सके तो फिर देश को क्या बचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवला देव चैनल रिएक्शन में। माता जी नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे, जिसका टाइटल रहने वाला है पाकिस्तान मीडिया स्टंट आफ्टर सीइंग लॉर्ड श्री राम हैवी गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड ज्वेलरी। मतलब भाई पाकिस्तान की जो मीडिया जो है वो चौंक गई है भाई, श्री राम जी के जो जेवर जो क्या होते हैं उनको चढ़ाए गए थे उस चीज को देखकर। वाकई में भाई उनकी प्रतिमा और जिस तरीके से उनका जेवरात जो थे उससे लग रहा है जैसे कि वाकई में असली एकदम है ना। हर जगह चर्चा भी चल रही है इस चीज की कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि राम भगवान की मूर्ति जो है जैसे अभी बोल पड़ेगी, ऐसी लग रही है। तेज इतना अच्छा है मतलब इसका। और भाई जाहिर सी बात है लोगों ने कितने समय तक इस चीज का वेट करा था, अच्छी चीज तो होनी होनी थी। तो वही देखेंगे यहाँ पे जो पाकिस्तान की मीडिया जो है भाई उनके क्या रिएक्शन रहने वाले हैं इस चीज को देख करके। जाहिर सी बात है इसमें लिख रखा है, बाकी अभी हम देखेंगे कि अभी बाकी में वो लोग क्या बातें कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, तो काफी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं अभी किस तरह वीडियो देगी। तो मैंने इसलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। नॉर्मल कितना हैवी में भी काफी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी जो है वो उन्होंने कैरी की होती थी। राम भारत की आस्था है। यहाँ पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। राम भारत का आधार है जी, और दुनिया का 11% गोल्ड सिर्फ भारतीय विमेंस के पास है। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड। राम भारत का विचार है, बयान नहीं कर सकता मतलब इतना ये सोना था केक। यार क्या बात है, यानी अच्छा इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। राम भारत का विधान है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसी थोड़ी कहा जाता। आज यानी 22 जनवरी का दिन सभी सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कि $200 मिलियन से ज्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा। लेकिन हमेशा हम पाकिस्तान के जो मुसलमान है या इंडिया के मुसलमान है मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। ठीक है फेमस थी। जी फेमस मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। एक जो है ना झटका दिया है। हमें उन चीजों से क्या गर्ज है अयोध्या के अंदर। तो अगर दुबई की बात करें तो वहाँ पे मस्जिदें नजर आएंगी जरूर आपको, आपको अमेरिका में मस्जिदें नजर आएंगी लेकिन आपको मंदिर नजर नहीं आएंगे। जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और इतना ही नहीं, हमारे पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है भारत का। या तो स्मार्ट बंदा है उसमें टर्की में निकला है तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली के पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। ठीक है जी, और ये चीजें जो हैं ये बताती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जो है वो किस डायरेक्शन में जाने जा रहेगा और इंडिया को किस डायरेक्शन में देखा जाए। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपनी सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारत को वो लोग पढ़ाई जाए। ये जो सभी सनातनियों के लिए ये जो टाइम है ये मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या है। हम सब बहुत लकी है जो कि हमने ये
ये हजारों सालों में एक बार होता है, ये उत्सव, ये मोमेंट, ये क्षण, ये देखा, क्योंकि हम सभी पर भगवान श्री राम की कृपा है। दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पर आ रही हैं। आपकी क्या राय है कि मुगल के दौरे हुकूमत को तमाम हिंदू जो है गुलामी समझते हैं, जबकि मुसलमान हमेशा उसको कहते हैं ये हमारा वकार है, ये हमारी जी शान थी कि हमने इतने साल हुकूमत की, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो है ना, इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज़्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है, ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमान इसमें कैसे नीचे दिखाई जा रहे हैं? यही है ना कि पाकिस्तान पहले उनका मंदिर था, तो मुगल सल्तनत ने जो है ना वो उसको गिरा के उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की। और मानते हैं कि पहले मंदिर था? जी मंदिर था, ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह तो हमारे पास इधर इधर ये जो है इनका जैन मंदिर, इधर जी 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 जैन मंदिर, इधर हमारे पास भी इनको भी गिरा के हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनकी इबादत गाह है, ठीक है ना, हमारी भी इबादत गाह है उधर, हमारे साथ वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर तारीख उठा के देखे जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, तो यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है, जी फेमस मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। अच्छा, एक जो है ना झटका दिया है, झटका दिया है बिल्कुल। अच्छा, जो है ना ये बहुत सरासर गलत किया है इन्होंने। अच्छा, नादिया जी क्या कहना चाहेंगी? अब तो सऊदी अरेबिया ने भी मतलब ये एक बड़ी बहुत बड़ी खबर है कि महाभारत और महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहाँ पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट को। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारत को वो लोग पढ़ाई जाएगी। अब मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शुएब। देखिए, इस्लाम के हिसाब से और कई हदीस में ये जिक्र है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि हिंद से जो खुशबू आती है वो उनको बहुत खूबसूरत लगती है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। हिंद की खुशबू के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कहा है और ये इसका इसकी वाजह और इसको अप्रूव्ड जो है वो कई हदीसों ने भी किया है। अब आती है बात के हमारे कल्चर में और हमारे हदीस में, अल हदीस में कई बार इस बात को बताई गई है कि हिंद का जो कल्चर है वो हमेशा बहुत एडवांस रहा है, हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल रहा है। हिंद के कल्चर में प्रोडक्टिव चीजें बहुत ज्यादा रही हैं, जो हदीस की बात मैं बता रही हूँ, मैं अपने मुंह से हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, हदीस की बात बता रही हूँ। और इसमें भी कोई मुझे काट नहीं पाएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद हिंद की खुशबू बहुत पसंद किया करते थे। अब आती है बात कि अंग्रेजों की भक्ति तहरीक और कुछ मुसलमानों की अपने से लिखी हुई हदीस की किताबों ने सनातन धर्म को हमेशा हमारे दिमाग में नफरत के स्वरूप डालने की कोशिश की, नफरत के हिसाब से डालने की कोशिश की। हमें हमेशा बताया, जब भी हमने सोचा कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ ही और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम के नारों की बाढ़ आ जानी चाहिए। इतने कमेंट्स कर दो कि यूट्यूब बावला हो जाए, और जो वो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर जिन्ना की हड्डी फेंक के मारो। स्टार्टिंग में जो रिएक्शन चैनल जो होते हैं तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं वो लोग, क्या भाई कितना कर रखा था, ये कर रखा था, क्योंकि ऐसा स्क्रिप्टेड हल्की फुल्की रहती है वीडियो उनकी, सबको जो जानते हैं चीज़ें,
तो वो चीज था, बाकी इतना कुछ दिखा नहीं इसमें, बस ये चीज था कि हाँ भाई अभी भी पाकिस्तान के लोग देखा जाए तो एज अगेंस्ट बोल रहे हैं इंडिया के कि हाँ भाई ये तो ऐसे करते वैसे करते, भाई इनको सोचना चाहिए। बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़ के बनी थी और वही चीज दोबारा कर दिया। देखो अब ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद टूट गई हमारे साथ ये हो गया, तो क्या हमारे साथ नहीं हुआ था उस टाइम, बताओ फिर हमारे साथ नहीं हुआ था कि जब भाई कहते राम मंदिर को तोड़ के यहाँ पर कहते वो चीज बना दी उन्होंने मस्जिद बना दी, वाली तो था ना, तो फिर वही चीज है आज के टाइम पे रिक्लेम कराया तो उसमें दिक्कत क्या है तुम्हारे को? कुछ तो उन्होंने गलत भी बोला और कुछ सही भी बोला, जब मतलब बाइबल और ये पढ़ाया जा सकता है विक्टोरिया गेट, तो फिर हिंदू के मतलब रामायण महाभारत में क्या है इनमें, तो हमारे दिक्कत क्या और क्या हमारे रामायण में और महाभारत में कोई धर्म के कोई जिक्र नहीं है, उसमें अच्छी बातें ही है जो इंसान के मनुष्य के लिए या धर्म के लिए है, लेकिन कोई धर्म के मतलब कुछ हमारे रामायण महाभारत में गीता में कोई ऐसा नहीं है कि हाँ वो हिंदू वो मुसलमान ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बात है, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई उस चीज को फॉलो कर सकता है अपने हिसाब से। हाँ, ज्ञान की बात है। कितनी शांति से हो गई सारा काम। सही बात, कहीं कोई लड़ाई मुंबई में हुआ है, मुंबई में इस टाइम पे दिखाया तो दंगे वंगे हुए हैं, मीरा रोड पे हुए हैं दंगे वगैरह थोड़े मोड़े हुए हैं, बाकी उस चीज का सॉल्व भी हो चुका है आज के टाइम पे, अतिक्रमण जो भी हो रखा था बुलडोजर वहां भी चल गए, मतलब यूपी का जोर अब हर स्टेट में जाया जा रहा है, पहले आसाम पहुंचा अब मुंबई हो चुका है, तो जगह जगह वो चीज जा रही है, तो हाँ ये चीज है कि हो रहा है। गलती करोगे तो सजा तो मिलेगी, ऐसी बात नहीं है ना, गलती करो ना सजा मिलेगी। धमकी दे रहा था ना फुल उस पे ही, क्या बोलते वीडियो में कि हाँ भाई तुमने शेर को बना दिया शेर। राम मंदिर पहली बात तो, राम मंदिर पहली बात तो मंदिर नहीं है, मंदिर से बढ़कर आई हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है ये, और एक कल्चर किसी व्यक्ति का या किसी धर्म का नहीं होता, कल्चर जो होता है वो पूरे देश का होता है, हमारे देश का कल्चर ही था वो, कल्चर को अगर हम ना बचा सके तो फिर देश को क्या बचाएंगे। तो देखिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो नहीं जय श्री राम।